तो फ्रेंड्स अभी कुछ टाइम पहले ही इंस्टाग्राम पे एक न्यू अपडेट आया है नोट्स को लेकर। जैसे ही आप अपने रील्स पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा नोट्स का, यहाँ पे ऐड नोट। अब आप किसी के रील्स पे नोट को ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले आप किसी के रील्स पे भी कमेंट करते थे, आप यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी कमेंट करते थे, इसके साथ साथ अब आप इसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। नोट्स को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, शेयर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी इसको लिख देना होगा। इस नोट में लिखने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना होगा। ऐसे शेयर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए इस जो रील है इसमें यहाँ पे नोट्स ऐड हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कमेंट्स करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो कमेंट है वो हमेशा के लिए उनके आईडी पे रह जाता है। लेकिन ये जो नोट है ये आपको जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब आप किसी के वीडियो में नोट्स को ऐड करेंगे तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए आपको यहाँ पे शो होगा, 3 दिन के बाद ये हट जाएगा। और ये जो नोट्स है ये सिर्फ उसी को दिखेगा जो आपके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने आपको फॉलो बैक किया है, जो आपके फॉलोअर्स हैं सिर्फ उन्हीं को दिखेगा आपका ये नोट्स। तो अब से आप चाहें तो किसी के वीडियो में सिर्फ नोट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो है इसमें हमको चाहिए कि हम इसमें कमेंट नहीं करें और सिर्फ नोट्स को ऐड करें, तो उसके लिए आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड नोट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें हम कुछ भी यहाँ पे नोट्स को लिख देंगे। लिखने के बाद इसको यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है शेयर विथ फॉलोअर यू फॉलो बैक, मतलब कि जो भी आपको आप फॉलो बैक किए हैं उसको सिर्फ ये दिखेगा। यहाँ से हम इसको शेयर पे क्लिक कर देते हैं। हम इसको दूसरे अकाउंट से ओपन करके आपको दिखा देते हैं वहाँ पे शो होगा कि नहीं होगा। ऐसे शेयर कर देते हैं, हम अपने यहाँ पे एक और अकाउंट पे शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद अब हम उस जो अकाउंट है हमारा दूसरा वाला उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नोट्स जो है कि यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि जो भी आपको फॉलोअर्स होंगे, जिसको आप फॉलो बैक किए होंगे, आपको जो फॉलो बैक किया होगा उन्हें को सिर्फ आपका जो नोट्स है वो दिखेगा और किसी को ये नोट्स नहीं दिखेगा। और जो नोट्स है ये सिर्फ 3 दिन के लिए सिर्फ इस पे रहेगा। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप किसी के भी रील्स पे कमेंट भी कर सकते हैं और आपका जो कमेंट है वो ज़्यादा दिन रहेगा भी नहीं, 3 दिन के बाद आपका जो है नोट्स ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी के भी रील्स में नोट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।